ফ্রেশ আনতে রাখলে Blockbuster Shetty, ladies and gentlemen, come on, make some noise. Okay. We've never seen this, Rohit sir. What do you have to say about this, Josh? All right. Okay. Shant Gadadhari Bhim. आज जल्दी जल्दी आएगी सिंगमत्री. आज तानाजी की बात करेंगे. देखिए आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ. बढ़िया बेटा. आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ. आज आप ये कह सकते हैं कि मैं देवगन फिल्म्स का बहुत ही पुराना एम्प्लॉय हूँ. उस हैसियत से आया हूँ. मेरी कहानी की जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है और वो नाम है अजय देवगन. आप सब उसे अजय देवगन कहते हैं, मैं बॉस कहता हूं. 30 साल साथ बिताया हम लोगों ने. ये रिश्ता चंद फ्राइडेज का नहीं है, दो जनरेशन का है. और आज मैं यहां इसीलिए हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ये सपना अजय ने आज से 30 साल पहले देखा था कि ऑडियंस के लिए एक ऐसा विजुअल क्रिएट करें कि उनके लिए लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बन जाए. और इत्तेफाक की बात यह है कि जब अजय का यह सपना पूरा हुआ, यह उनकी 100th फिल्म है. 100 फिल्में, दो वर्ड, 100 फिल्म्स. लेकिन इसके पीछे 30 साल की जर्नी रही है इस इंसान की. डेडिकेशन रहा है, ऑनेस्टी रही है, कमिटमेंट रहा है. आप लोग अब जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आसान नहीं था. इसके पीछे पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है. अजय सर की खुद की कंपनी NYVFX वाला, ओम राउत द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अजय एज अ प्रोड्यूसर, सेफ, बहुत लोगों की मेहनत है. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आप लोगों ने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा. लेकिन उससे पहले जिस इंसान का ये विजन था कंपनी फॉर्म करना, यहां तक पहुंचना, मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. प्लीज वेलकम अजय देवगन. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सबसे पहले यहां आने का. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार. और रोहित ने इतनी सारी बातें बोल दी हैं. मेरी जर्नी आई थिंक रोहित के बिना वैसे भी कंप्लीट नहीं होती. जब हमने काम शुरू किया था, ही जॉइंड एज एन असिस्टेंट और तब से ही इज़ बिन पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं एक बात सच्ची कहूँगा कि आज तक इतना प्राइड मैं किसी में नहीं लेता हूँ जितना रोहित में लेता हूँ कि अ बॉय हु स्टार्टेड विथ मी, आज देखिए आप कहाँ पहुँच गया. सिर्फ अपनी मेहनत से, लगन से, शुरू में सीख के, और अब आप सबने देखा क्या है. सो थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच. और हाईलाइट ये है कि हमारी जर्नी 30 साल पहले जब शुरू हुई, हमारा ऑफिस सामने ही था, अभी भी है सामने की बिल्डिंग में. मतलब कमाल की बात है. कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद 100 फिल्म्स होंगी, यहाँ पहुँचेंगे, सामने आएंगे आप लोग के सामने. सर दिस वन थिंग अजय सर आपसे पूछना चाहूँगा मैं. यहाँ सर को मैंने इतना इमोशनल रोहित सर को इससे पहले कभी नहीं देखा है. यू नो ही इज़ लाइक
so overwhelmed by all this. आप मुझे बोलें कि जब वो शुरुआत हो रही थी, जैसा उन्होंने कहा जर्नी की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय सर वो लड़कपन में कुछ कुछ वैसा अलग कोई किस्सा बनता है सर? मत पूछो भी. मतलब काम के अलावा जो जो हरकतें लोग बचपन में 15-16 साल की उम्र में करते थे, हम शायद 22-23-24 साल की उम्र में करते थे. मेरे डैड बहुत नाराज होते थे एक दूसरे की, हम बातें छुपाते थे, मार खाते थे एक दूसरे के लिए, डांट खाते थे और एक दूसरे के लिए बहुत झूठ भी बोलते थे. इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको झूठ बोलना है, सिर्फ सिर्फ अगर किसी को ट्रेलर पसंद नहीं आए तो वो झूठ बोलेगा कि बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो झूठ बोलने की नौबत नहीं आएगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ. You know the hard work that we are talking about over here. मैं कल से मतलब आपकी टीम से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ, वो जो जोश जज्बा देखने को मिल रहा है, we've never seen it. And I'm sure इसको देखने के बाद यहाँ भी वही जोश दिखेगा, वही जज्बा दिखेगा. So sir, with your kind permission, चलिए please. So it's time. तानाजी, the unsung warrior. चश्मा सब लोग पहन लो. सबसे इंपॉर्टेंट जी, और ट्रेलर के बीच में कोई तस्वीरें नहीं खींचना, तस्वीर नहीं खींचना, चश्मा पहन लेना. दो बार हम प्रोमो चलाएंगे, एक बार खत्म होगा फिर चलिए. जोरदार तालियां हो जाए. अरे सर आ गए एकदम सही था कि नहीं मैं? तो चलिए अब. थैंक यू, थैंक यू. तैमूर ठीक है? नहीं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच अजय. 100th फिल्म. I'm very happy I could be in it with you. हमने पहली बार काम किया था कच्चे धागे में, तो बहुत अच्छी फिल्म थी. अच्छा, आपको अच्छी लगी? फेल हो गया. बट ये मतलब मैं जानता हूँ अजय फिल्मों से कितना प्यार करता है और सब देख सकते हैं. अगर आप ये फिल्म देखेंगे, इट इज़ अ इनक्रेडिबल अचीवमेंट. टेक्निकली यू नीड पैशन, यू नीड टू लव योर वर्क. आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी आई कुड बी पार्ट ऑफ योर 100th फिल्म. Thank you for having me. For being here. I had a really good time. And एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि what I love about Ajay also is the kind of star he is, you know, like the systems that he supports. इतने सारे लोग हैं. जब मैंने शूटिंग की 20-30 साल पहले, मैं उस स्पॉट बॉय से, उस उन टेक्नीशियन से, लाइटमैन से मैं मिला था, और वो तब से काम कर रहे हैं अजय के साथ. ही सपोर्टेड लाइक सच अ मैसिव पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. सो आई ग्रेट ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू सर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग. थैंक यू सो मच. प्लीज. एंड व्हेन वी जब हमने सोचा कि हु विल प्ले उदयवान, तो हमें कोई नाम समझ नहीं आ रहा था एक्सेप्ट फॉर सैफ, बिकॉज जो पर्सनालिटी और जो परफॉर्मेंस चाहिए था. एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. वेरी नाइस, ग्रेट, इट लुक्स अमेजिंग. आई हैवंट सीन अ 3D फिल्म सिंस, आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन वन विद ग्लासेस. आई वाज ऑलवेज रियल नर्वस अबाउट देम, यू नो, बट आई थिंक यू हैव डन इट. इट्स आउटस्टैंडिंग. इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. चलिए अब वक्त है उन्हें बुलाने का, जिनकी मैं एज अ डायरेक्टर जानता हूँ कि नींदें हराम हो गई होंगी इतना बड़ा विजन क्रिएट करने में. Please welcome our director, Om Raut. Come on, give it up for Om sir, yaar. Come on. मतलब बनता है, इससे पहले भी he's given us this blockbuster. और अब एक और जोश भरी चीज के साथ. Om, just one question. How does it feel? समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ. आई थिंक इट फील्स ग्रेट. आई मीन वी बीन ट्राइंग टू यू नो मेक दिस फिल्म, काफ़ी टाइम हो गया, एंड नाउ द फर्स्ट विजुअल्स आर सीन बाय एवरीबडी, एंड आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट. इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, लविंग इट, एंड आई होप पीपल लव द फिल्म ऑल्सो वंस वी हैव डन विद इट. इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग. थैंक यू एवरीबडी. एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक्चुअली उन्हें स्टेज पे बुला लेता हूँ. बहुत कमाल की आवाज है उनकी, उनकी आवाज का मैं भी फैन हूँ. शरद केलकर. छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी अहम भूमिका में, कम ऑन यार. जय शिवाजी. सर ये मेरे को पूछना, मैंने रोहित सर से कहा ये मैं पूछ के रहूंगा. प्लीज प्लीज टेल अस, यू नो, इतनी अहम भूमिका, एंड दैट इज नॉट इजी टू प्ले ऑन द बिग स्क्रीन. यू नो, इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, इतना जोश उन्होंने हम सब में भरा, इतना सब कुछ हम सब के लिए किया है. व्हाट डू यू हैव टू से? अगर मैं यहाँ किसी से भी पूछूं या किसी को भी ऑफर किया जाए रोल, उसके क्या हाल होंगे? वो मेरे थे फर्स्ट डे.
जब ओमी सर ने मुझे बुलाया बट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शूट दो बच्चे थे छोटे एक लड़की थी कुछ 7 या 8 साल की मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के गेटअप में आया सीन करने के लिए और उसने मुझे देखा 5 मिनट 6 मिनट और एक चीज कही उसने क्या आपका ही स्टैचू लगा हुआ एयरपोर्ट के बाहर एंड आई सेड इट्स अनबिलीवेबल मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था इट वॉज ओनली हिज विजन अजय सर्स विजन जिन्होंने मुझे कास्ट किया मुझे मौका मिला और किसी भी एक्टर के लिए राजे का रोल करना आई थिंक इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड होप यू विल लाइक इट And now, ladies and gentlemen, yahan pe, you know, I'd like to invite on stage someone who's bagged wonderful projects as always is samay bhi and keh sakte wo khud ek warrior hai aur box office pe matlab jinhone itni tod phod macha di hai ki kya karu ek ke baad ek blockbusters ladies and gentlemen the producer of this movie give it up for Mr. Bhushan Kumar ladies and gentlemen zordar taaliyan ajay sir ke sath bahut kamal ka you know ek connection raha hai collaboration kai baar kiya hai And here he is one more time, the smiling Bhushan Kumar Saab. Sir, what do you have to say? You know, अभी हम इतनी बातें कर रहे हैं and of course जैसा सबने कहा कि इसको ये इस चीज को back करना अपने आप में it's an honour. So कहाँ से लाते हैं सर इतने weapons? पहले तो ये बताएं आप. First of all, I want to thank Ajay sir. इन्होंने ये opportunity दी अपने dream project में मेरे को हिस्सा बनाने की. So thank you very much Ajay sir. आपने भरोसा रखा and we will take this. thing to different level as I just told you outside so I'm very excited as T series ke hame itni badi magnum opus ko back karne ka mauka mila so we are just very excited about that and the smile says it all you know yes. is samay wo ekdam year to year smile jo hai yahan pe so it's time for a quick photo op and then we'll take the questions right we good sir ek sawal bhul gaya main kajol ma'am abhi aapne dekha tana ji ki jo aap jab aap film dekhenge history dekhenge ke बेटे की शादी होने वाली है और वो वॉर पे निकल जाते हैं अपना धर्म निभाने सो उसी तरह से इस वक्त काजल जो हैं वो सिंगापुर में निशा की जो पढ़ाई चल रही है तो वो वहाँ पर है इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो ऑब्वियसली कोई एक पेरेंट को जाना था तो शी हैड टू गो ऑलराइट और स्क्रीन पे जब हमने उन्हें देखा वो मतलब वहीं पे सब लोग फ्लोर हो गए उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फॉर दिस एंटायर अमेजिंग टीम ओवर हियर सबसे पहले व्हाट अ ट्रेलर अमेजिंग ट्रेलर सर मतलब I literally got goosebumps. Congratulations. This is Ankita from Republic and आपका 100th project है बहुत amazing trailer है एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको first of all जो भूमिका आपने निभा रहे हैं वो बहुत ही respectful भूमिका है in the film. साथ ही आपको बहुत ही daredevil stunts भी हम करते देख रहे हैं तो किस तरीके से उस चीज़ की preparation की और कितना special है ये film आपके लिए I think ये film apart from it being 100th film वैसे ही इतनी special है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब आप कोई फिल्म करते हैं जैसे ताना जी जैसी फिल्म करते हैं जब ताना जी की आप भूमिका निभाते हैं जो कि एक इतने बड़े वॉरियर हीरो रह चुके हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जैसे शरद कह रहा था कि शिवाजी राजे जब करते हैं तो यू नो तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे कैरेक्टर्स को किसी गलत तरीके से पोर्ट्रे ना करें तो सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक्शन करना स्टंट्स करना अब काफ़ी मारे भी लगी हुई हैं रोहित को भी पता है इस वक्त मेरे पैर में भी बहुत तकलीफ है लेकिन करना पड़ता है तो उसके लिए मेहनत करके कर लेते हैं हाय अजय दिस साइड लेफ्ट या लेफ्ट हियर हियर दिस साइड या ट्रेलर इज ऑसम मेरे ख्याल से ये एक इतिहास बनाएगी पिक्चर अजय ये जाना है 30 साल पहले आपने सपना देखा था तो 30 साल रोक पाना और उस पर किस तरीके से आपने काम किया था जो अब साकार करने का सोचा जब हम सपने की बात करते हैं तो जब हम डिस्कस करते थे हम ये डिस्कस करते थे कि हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं हमारे पास वो उस किस्म की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है और सपना यही था कि किसी दिन हम इस किस्म की फिल्में बना सकें जो कि हम एट पार बाहर की फिल्मों के सामने खड़े रह सकें और बोले कि देखिए हमारे पास बजट आपसे आधे से भी कम है लेकिन फिर भी हम आपके लेवल तक पहुंच सकते हैं या शायद तो सपना यही था क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियंस हैं हमारे पास अगर इतने बजट में अगर हम ये क्वालिटी ला सकते हैं तो आप सोचिए कि हमारे टेक्नीशियन कितने ज़्यादा बेहतर होंगे तो ये मुझे लगता है
और यही सपना था कि उन सबको सामने ला के हम ऐसी क्वालिटी दिखा सकें. एक एक वक्त आएगा और जब हम ये सपने की बात करते हैं तब तब फिल्में आपको पता है कि किस क्वालिटी की भी बनती थी. हम कोशिश तब भी लोग करते थे लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. तो अब वो आ गई है तो अब लोग मेहनत कर रहे हैं. अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं. तो ये जो आप देख रही हैं ये आज साकार करने में उन सबका बहुत बड़ा हाथ है. आई थिंक सोचना तो ये इस बारे में ओम ने सोचा और ओम ने बहुत मेहनत की इस पे. जब ओम ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाया मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया. फिर उसके बाद हम बैठ गए इसको कि इस लेवल तक कैसे लेके जा सके. और लकीली मेरे पास हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है NYBFX वाला जिनका काम आपको नज़र आता ही है और आज तक नज़र आता ही आया है. तो आई थिंक इन सब ने मिल के ये चीज़ें पूरी कर पाए. ओम ओम सेफ ओम ट्रेलर आवडला इम्प्रेसिव्ह आहे अगदी. ओम इकडे 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 ओके ओके थँक्यू. या सब्जेक्टसाठी केलेला स्टडी, मेहनत, अभ्यास याबद्दल थोडंसं पाहिजे. खूप डिटेल्समध्ये गेला असणार या सब्जेक्टसाठी. हा बहुत मेहनत की, बहुत स्टडी किया, बहुत सारे बुक्स पढे, बहुत सारी पेंटिंग्स के ऊपर से इंस्पिरेशन ली है. एंड वी स्टार्टेड ऑन दिस journey in 2015 when we started writing this film. Mr. Prakash Kapadia, who's the, as I say that, you know, Chite ki chaal, baaz ki nazar aur Bajirao ki talwar jo line likhi hai, Prakash Kapadia ke kalam par koi sandeh nahi karte. Mr. Prakash Kapadia came on board, Prasad Sutar was here, and we started this doing ultra research on the smallest of the aspects of the film. हर ये दुनिया बनानी पड़ती है, ये वर्ल्ड बनाना पड़ता है. 1670 किसी ने देखा नहीं है, तो 1670 में वर्ल्ड कैसे था, वो वर्ल्ड क्रिएट करने में हमने बहुत टाइम निकाला. एंड ऐसे करते 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 बहुत सारे बुक्स से रेफरेंसेस लेके, बहुत सारी पेंटिंग से रेफरेंस लेके, वी केम टू अ पॉइंट वेयर वी कुड डू व्हाट वी कुड डू. आंसर योर क्वेश्चन सर. सैफ आपके लेफ्ट में इधर, यहाँ पे राइट में सॉरी. सबसे पहले तो तारा जी की बात करें तो बहुत टाइम के बाद हम एक बेहतरीन 3D फिल्म देखने वाले हैं, जिस तरह से हमें देखने को मिला. और सैफ, अगर हम आपके किरदारों की बात करें तो आपने कई सारे शेड्स निभाए हैं, बट उदय भान का किरदार एक बहुत ही अलग लेवल का है. उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी, बिकॉज वो एकदम अलग, आपकी पर्सनैलिटी से टोटली अलग है. यू नो, मुझे इतना मज़ा आया फिल्म करते वक्त. हमने करियर में काफ़ी मेहनत की है, लाइव लोकेशंस में जाकर और यू नो बैक ऑफ बियॉन्ड में शूटिंग की है. तो हम लोग सुबह उठ के, मैं ड्राइव करता था, नो ट्रैफिक, स्ट्रेट टू फिल्म सिटी. वहाँ पे दो बड़े सेट लगे थे अजय देवगन फिल्म्स, एयर कंडीशनर चला हुआ था और सब ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन चारों तरफ. हाँ, ओ नो, आई डोंट नो, बट तो मुझे मतलब इतनी कंफर्टेबल शूट थी. और हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने इतना फोकस किया मेरे ऊपर और एक मौका दिया कि 1, 2, 10, 15 टेक हम लोग करते थे वहाँ पे. 27 हम लोग मेहनत 28. करते थे, उसको इम्प्रूव करते थे. कभी कभी 20 टेक, 25 टेक भी किए हैं. तो ऐसा 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 मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है. और हमने उसको इम्प्रूव किया हमने. और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टेक, सेकेंड टेक अच्छे नहीं थे, लेकिन हम एक परफेक्शन के पीछे पड़े थे. हमने बहुत इतनी मेहनत में ये अपनी परफेक्शन के पीछे पड़े थे, लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट टेक या सेकंड टेक ही ओके लगे हुए. लेकिन बेसिकली डायरेक्टर ने बहुत मदद की मेरी. और फॉर यू टू ओनली डू सो मेनी टेक्स विद सो मच एनर्जी, टू मच फन. आई हैड टू मच फन. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. इट वाज अ लिटिल क्रेजी कैरेक्टर एंड इट वाज ब्यूटीफुल फन. हेलो अजय सर. हाय. हेलो. हाय. हाय अजय सर. हाय. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही शानदार धमाकेदार ट्रेलर है और सभी को आई होप बहुत पसंद आया होगा. जय भवानी, जय शिवानी जी. सो जैसा कि हमने बताया, काफ़ी बुक्स से लिया गया, काफ़ी ड्राइंग्स रही, काफ़ी पेंटिंग्स रही, उससे काफ़ी कुछ निकाला गया. इस तरह के प्रेप रही, आपकी क्या प्रेप रही इस तानाजी के किरदार? वही जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया. प्रेप मेरी, आई फॉलोड माई डायरेक्टर. और देखिए, जो हमने पढ़ा है उसमें
बहुत ज़्यादा डिटेल में कैसे वो बिहेव करते थे तानाजी, कैसे वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है. तो वो आपको एक इमेजिन करना है और वो डिग्निटी मेंटेन करके करना है बेसिकली. जिस तरह हमने देखा ट्रेलर, बाहुबली से भी हम कंपेयर कर सकते हैं आपके? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि हम किसी फिल्म से कंपेयर करें. हमारी फिल्म अलग है, हमारी फिल्म अलग कहानी कह रही है. तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अच्छा काम कर लें. तो दैट्स इट. वेल, टुडे बीइंग मैंस डे, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मेन स्टैंडिंग ऑन द डायस. टुडे इज मैंस डे. आई मैंस डे. Happy man. A round of applause. Guys, a round of applause, because we can see all men on the dais minus women. Okay. Sharad Khelkar, aap Shivaji ka role play kar rahe hain. Chhatrapati Shivaji. Chhatrapati Shivaji, I'm sorry. Chhatrapati Shivaji ka role play kar rahe hain. What is that one manly quality may have allured you? बड़ा मुश्किल है कहना, बिकॉज किसी ने उन्हें देखा नहीं है या कहीं लिखा नहीं गया उनके बारे में. ये एक मेरा परसेप्शन है उनके बारे में, या एक डायरेक्टर का एक विजन है उनके बारे में कि उनके छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे होने चाहिए. और मैंने उनकी बात रखते हुए अपने अंदर से जो मुझे लग सकता था कि जो सही बैठेगा उनके लिए, मैंने वही किया है फिल्म के अंदर. एंड होपफुली जो फर्स्ट पोस्टर आया उसका जैसा रिस्पॉन्स है, आई थिंक मैंने परीक्षा पास कर ली है. और मेरा गुजारिश है सभी से जो स्टेज पे खड़े हैं, एक एक मैनली क्वालिटी जो आप लोग एडहर करते हो. मैं तो बड़ा हम्बल हूँ मतलब. डायरेक्टर साहब, ये हम्बल तो इन्होंने चुरा लिया. पोलाइट. ओके. सबसे बड़ी मैनली क्वालिटी ये होती है हर इंसान की, हर आदमी की, मर्द की, के वो अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट औरतों को दे. भूषण जी. आई कीप स्पेलिंग, दैट्स कॉल इट बेस्ट है. आई शेव माय आर्म्स. ओह ग्रेट. रोहित शेट्टी. हाँ मैम, वही क्वालिटी. मैं आप बचपन से देख रहे हो, आप ही बता दो. आप बताइए ना, क्योंकि आपका अपनी फैमिली की को प्रोटेक्ट करना, टेक केयर करना, एंड सर सेट के औरतों की इज्जत करना. ओह दैट इंक्लूड्स योर मदर, योर वाइफ, योर सिस्टर. वेलकम टू यू. वेलकम टू यू. वेलकम. क्योंकि वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल आपका की जितने फिल्में आई हैं उनसे एट पार है, बहुत अच्छा है. और मैं बता देती हूं कि तानाजी ऐसे एक ऐसे किरदार जिसको स्कूल लेवल में लोगों ने पढ़ा है चार लाइनों में, और सिंह आलापन गढ़ के सिर्फ खराब बात यह है कि सिर्फ चार लाइनें, ज्यादा होनी चाहिए थी. आई थिंक ओम, आप बात करेंगे उसके बारे में अबाउट तानाजी. नहीं आप बोलो. बिकॉज एज अ डायरेक्टर ही स्पीक्स वेरी वेल अबाउट. शायद शाम दोपहर कम पड़ जाएगी, आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट तानाजी मालुसरे फॉर एवर. बट तानाजी वो जो कहा जाता है कि गढ़ आलापण सिंह गेला, दैट इज़ वॉट इज सेड अबाउट तानाजी इन मराठी. बट वॉट इट्स मीन्स इज मेरा गढ़ तो आ गया पर मेरा सिंह चला गया, इज़ वॉट छत्रपति शिवाजी राजे सेड. इट्स ऑल्सो बिलीव्ड इन द हिस्ट्री दैट छत्रपति शिवाजी राजे डिड नॉट से दैट, ही एक्चुअली वॉट ही सेड वॉट इज गढ़ आलापण गढ़ गेरा, मेरा एक गढ़ तो आ गया पर तानाजी वो अपने आप में एक गढ़ था, वो गढ़ में गवा बैठा. ऐसा ऐसा भी कहा जाता है कि राजे ने ऐसा कहा था. सो तानाजी अपने आप में एक गढ़ था. शिवाजी राजे के जो भी इसके पहले जो सारी मुहिम हुई थी उनमें उनका बहुत ही एक हाथ बार लाए, साथ में रहे हैं. जब शिवाजी राजे ने रायरेश्वर के मंदिर के बाहर जब स्वराज की शपथ ली थी, जहाँ से हिंदुस्तान के स्वराज की मुहिम की शुरुआत हो गई, उस मुहिम के वक्त उस शपथ लेते वक्त वहाँ पे गिने चुने बहुत कम मावड़ा उपस्थित थे, और उनमें तानाजी मालुसरे खुद उपस्थित थे. तो वहाँ से ही, मतलब बचपन से ही वो शिवाजी राजे के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, उनके स्वराज के बहुत बड़े शिलेदार रहे हैं और उनके साथ में लड़ते आगे. और ये जब ये ऐसा बड़ी मुहिम आई जहाँ पे
जान को खतरा होने की एक बात थी, तो उसमें राजे खुद मुहिम का नेतृत्व करने वाले थे, बट तानाजी ने ही टुक द बुलेट फॉर हिम, ही वेंट आउट एंड ही फॉट द बैटल फॉर हिज डियर फ्रेंड, फॉर हिज सॉइल, फॉर हिज मदरलैंड, फॉर आवर मदरलैंड. एंड यू नो, इफ दिस बैटल वुड हैव नॉट हैपेंड, विच इज द बैटल ऑफ सिंहगढ़, व्हाट इज व्हाट वी कॉल इट टुडे, कोंडाना इज नोन एज सिंहगढ़, इफ द बैटल वुड हैव नॉट हैपेंड, I think the history and geography, the southern Indian peninsula would be very different. The entire drive for the foreign invasion, for the Mughals' invasion, was to get access to the Arabian Sea and to get access to the Indian southern peninsula. If this war of Sinhagad, Kondhane ki ladai agar nahi hui hoti, to the history and geography of our nation would be different. So I think keeping that in mind, Tanaji Malusare, who was a farmer at one point, you know, he was a father, he was a husband, he was a brother, he was Shivaji Raje's closest friend. I think the type of valor and the charisma that he showed at the battlefield is something that we want to tell people, and that's why we actually made this film. Hi, Seth. Hello, Seth. First of all, congratulations for an amazing trailer. Mera question Saif sir aur Ajay sir se, if I'm not wrong, after 2003 aap fir se aapki jodi ek baar dekhne ko mil rahi hai, to itne saalon baad kaisa tha wo bonding, kya kuch friendship mein change hua, kya kuch batana chahoge aap? Batana chahenge? Once they are done, I'll answer later. Hame bahut maza aaya tha jab humne Kacche Dhaage ki thi. जब हम पहली बार मिले सेट पे, मुझे लगा कुछ ज़्यादा बदला नहीं, थोड़े और शायद थोड़े और सीरियस हो गए, मच्योर हो गए हैं, थोड़ी अक्कल आ गई है, थोड़ी अक्कल आ गई है. मतलब पहले क्या करते थे? अरे पहले सो मच फन, वी हैड टू मच फन बिफोर. सेंसर हो जाएगा, पता नहीं सर. राजस्थान, द डेजर्ट, लवली इवनिंग्स वी हैड. आई हैव ऑलवेज हैड अ रियली नाइस टाइम वर्किंग विद अजय बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी वेरी जेनरस एक्टर. देयर हैज नेवर बीन एनी स्ट्रेस ऑन यू नो मेरा रोल कैसा है. जब भी मैंने काम किया है तो मुझे, आई हैड द बेस्ट रोल्स इन माय करियर वर्किंग विद हिम, एंड दैट इज अ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ रियली स्पेशल थिंग. इज अ रियली कॉन्फिडेंट फिल्म मेकर एंड एक्टर, एंड एवरीबडी हूएवर्स वर्क्ड विद हिम हैज रियली एंजॉयड द एक्सपीरियंस, एंड आई एम हैप्पी. आई थिंक ऑफ हिम एज अ फ्रेंड इन द इंडस्ट्री, एंड आई ऑलवेज एंजॉयड वर्किंग. आई थिंक सैफ ने इतना कह दिया, मैं जो कहूंगा वो रिपीट ही करूंगा. आई जस्ट लव इट. अजय जी, हाय. एट योर सेंटर, जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन. अपनी 100th फिल्म में आप अपनी लेडी लक के साथ काम कर रहे हैं, और कितने सालों बाद काम कर रहे हैं, वो एक कैसी, मतलब ट्यूनिंग तो ऑफ कोर्स अमेजिंग है ही, बट वो कैसी फीलिंग थी व्हेन यू हैव द बेस्ट लेडी ऑफ योर लाइफ इन योर 100th फिल्म? आई डोंट नो व्हाट द फीलिंग इज, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि घर पे ही है, सेट पे नहीं है. तो वी बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी ऑल्सो, एंड वी बिहेव लाइक दिस एट होम ऑल्सो, तो कोई ऐसा फर्क लगता नहीं. सैफ, 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 यू हैव मेस्पराइज्ड अस विद योर कैरेक्टर एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन, बट या 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 सिमरन सिंह, सो यू हैव मेस्पराइज्ड अस एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन, बट वेन एवर यू कम विद अ ग्रे शेड कैरेक्टर, बीट ओमकारा और बीट न्योर इन तानाजी प्लेइंग उदय भान, देर इज समथिंग सो मच एक्साइटिंग, यू नो, इट कम्स लाइक अ न्यू एवटार ऑफ यू. सो आप बताइए, सो इज इट ट्रू दैट यू रियली इंजॉय प्लेइंग दिस ग्रे कैरेक्टर? Yeah, maybe, you know, I guess they also must have thought of something when they asked me to do it. It's a very special role. Yeah, I think I do enjoy it. I don't know if I would enjoy only doing that. Mm-hmm. But once in a while to do that, I think is great fun. Yeah. And this is a very special part, the way Om has treated it and the way they have conceived it. It was okay. Hi, Ajay sir. अजय सर एंड भूषण जी, एक सवाल आपसे बनता है बीइंग अ प्रोड्यूसर. एक वक्त था जब जो भी एक साल की शुरुआत होती थी, लोग बड़ी फिल्में नहीं लगाते थे, मतलब हम देखते आए हैं, पीपल यूज टू कॉल इट एज अ जिंक्स वीक, या पहला हफ्ता हम नहीं लगाते, बट इट सीम्स इट्स अ ब्रेव डिसीजन ऑफ यू गाइज कि आप पहले हफ्ते ही आ रहे हैं, 10 जनवरी को आ रहे हैं, एंड देखा जाए तो इट्स नॉट अ रिपब्लिक वीकेंड ऑल्सो, मतलब चाहते तो उस टाइम पर भी रिलीज कर सकते, तो ये परसेप्शन के बारे में आप बताइए. आई थिंक वो परसेप्शन बदल चुका है कि फर्स्ट वीक, हाँ फर्स्ट वीक थोड़ा स्लो होता है, बट दिस इज आर सेकेंड वीक. तो आई थिंक लास्ट ईयर उरी आई थी ना, लास्ट टाइम उरी आई थी 28 दिसंबर को, सिम्बा आई 10 को, उरी आई, दोनों चली, ऐसा टेंशन मत. कूल सर, थैंक यू. हाय सैफ, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज हियर इन द मिडिल. सैफ, हम सब जानते हैं कि आप एक एविड रीडर हैं, काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज भी रखते हैं. जब आपके पास ये किरदार, आपको ये ऑफर हुई ये फिल्म, तो क्या आपको इसके बारे में, मराठा हिस्ट्री के बारे में उतना पता था
जो किरदार आप निभा रहे हैं फिल्म में, उस किरदार के बारे में पता था या ये फिल्म साइन करने के बाद में आपने और रिसर्च की और पढ़ा? मैंने बहुत रिसर्च की. मैंने जाके एक अमर चित्रकथा खरीदी जिसका नाम था तानाजी. आई एम सीरियस. एंड उसमें पूरी कहानी है, यू नो. बट लेकिन जब बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी तो ऑलमोस्ट द सेम. मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने कुछ अच्छी मॉडर्नाइजेशंस किए हैं कहानी में, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. लेकिन जब मैंने पढ़ी, यू नो, ऑब्वियसली द स्टोरी इज़ अबाउट तानाजी, बट उदयभान हैज़ अ वेरी लवली रोल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड काइंड ऑफ राजपूत विलन्स रोल, which I was very excited to do. And I think jab hum Tanaji ki, I don't know if I'm saying the wrong thing, but if you think of Tanaji's story, you have to mention Udayban. Yeah, it's incomplete otherwise. You know, so, and that was great as an actor. You know, I'm telling you, this film, the way it's mounted, the way it's created, I'm so happy today seeing this. I was not sure about 3D, I was not sure about how it's going to look, but I'm so, so pleased. This is going to be such a visual treat. But I'm just happy to be a part of it, and I think a very nice part of it. Hello, Ajay sir. Well, she was. I think she's very fond of Ajay, so she knew we would have a lot of fun, you know. And she's excited about the project. Hello, Ajay sir. Here. नहीं ना, मैंने सोचा था ना, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये 100 फिल्में मेरे लिए, तो ये एक और फिल्म है. और जो जितनी मेहनत 99 पे की थी या पहली पे की थी, वही मेहनत यहाँ है, और वही 101 पे भी करनी पड़ेगी. तो हमारे लिए तो वही एक ही चीज़ है. हेलो अजय सर. शरद, हाय. टारगेट नहीं है. मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हो और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए हैं? क्योंकि अगर कुछ गलती से गलत हो गया तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस ली हुई है? गलती से भी गलती ना हो, यही प्रिकॉशन लिए. नो नो, देखिए, आप जब भी ऐसा कोई किरदार करते हैं, आपको प्रिकॉशंस लेने ही हैं उसके अंदर. आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है. वही किया है मैंने. ओम सर की बात मानी है, एक्टिंग करते वक्त भी या परफॉर्मेंस के टाइम भी, क्योंकि एक आंख का इशारा यहाँ से वहाँ हुआ तो भी वो गलत हो सकता है. इतनी बारीकी से, डिटेल से बताया गया है. एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विथ. सो मुझे वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से बता दिए गए थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. हेलो जी. सी, हर फिल्म में म्यूज़िक नहीं, लेकिन इस फिल्म में म्यूज़िक बहुत बेहतरीन है. अजय सर ने बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज करवाया है. जो आप गाना ट्रेलर में देख रहे हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन गाना है. तो आई थिंक इट्स अ म्यूजिकल ट्रीट आल्सो. हेलो अजय सर, दिस इज आकाश. सचिन परंपरा हियर. आई थिंक दे द म्यूजिक फॉर दिस सॉन्ग. रॉकस्टार्स. हेलो अनिल जी रोट इट. ही इज आल्सो हियर. हेलो, हाय अजय सर. Ajay sir, this is Akash from Mumbai Mirror. Hey, yeah, in front of you. Yeah, so I wanted to ask, while choosing a historical subject like this, how do you maintain a balance that it doesn't become offensive to someone? You have to be very careful. You have to be very careful, and you have to be honest to history. So the fact is that, I mean, apart from being careful, we follow the history so that tomorrow, if you have to question and answer, somebody raises a question, I mean, we can tell them that, okay, this is part of history, guys. So that's how you follow it. Ajay sir, on your right, left. मेरा सवाल ये है कि काजोल फिल्म में काफी अहम किरदार निभा रही हैं, तो ट्रेलर लॉन्च पे नहीं आई है, कोई खास वजह? सर, गुड मॉर्निंग, वेक अप. अभी रोहित जी ने ये जवाब दिया था थोड़ी देर पहले, जागिए. लेट कमर्स. विल जस्ट टेक टू मोर क्वेश्चंस. हां आऊंगा सर, मैं आपके पास जरूर. उधर से खत्म रिसर्च का सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं.
जी तानाजी मालुसरे, ज्योति सुबेदार शिवाजी राजे की साथ थे और उन्होंने उनके साथ में पहले भी कुछ लड़ाइयाँ की हैं, कुछ जंग उन्होंने छेड़ी है, उसमें की कुछ जंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए और उसके बाद में हम इसका सवाल ठीक तरीके से दे पाएँ। पर जो गुरीला वॉरफेयर है, जो मराठाज आर नोन फॉर गुरीला वॉरफेयर, द मोगल्स वर माइटी, दे वर ह्यूज एंड द मराठाज वर वेरी टाइनी, सो दैट गुरीला वॉरफेयर इज समथिंग दैट यू विल सी, अपनी माइंड वर्सेस माइट, अपनी इतनी बड़ी विरुद्ध जो सेना थी उसके अगेंस्ट में अपनी दिमाग को लगा के, अपनी माइंड को लगा के उन्होंने कैसी गुरीला वॉरफेयर खेली है और जंग जीती है, दैट इज समथिंग दैट यू विल सी इन द फिल्म आल्सो। वी विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन। जी आप बोलना चाह रहे थे? नहीं है, सवाल देखिए इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि एक नहीं, मुझे नहीं पता इसमें इसका जवाब मेरे पास है नहीं। आई थिंक कुछ चीजें ऊपर वाला देता है, आपके हाथ में नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच। Oh